ईसीबी ने गुरुवार को भ्रष्टाचार के पांच काले कारनामों पर एक्शन करते हुए बड़े धमाके किए। ईसीबी ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए कोटा में तैनात वीसी रामावतार के भ्रष्ट अवतारों पर चिट्ठा खोला। इसके लिए जयपुर में ईसीबी ने राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा के कुलपति आर ए गुप्ता को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ईसीबी डीजी बीएल सोनी ने बताया कि परिवादी ने ईसीबी हेल्पलाइन पर शिकायत दी थी कि उसकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में सीटें बढ़ाने के लिए वीसी ने 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगी है, जिसके बाद एक गेस्ट हाउस में कुलपति का ट्रैप किया गया जिसमें वो 5 लाख रुपए ले रहा था। कार्रवाई में गेस्ट हाउस में वीसी के कमरे से कुल 21 लाख रुपए भी मिले हैं। ईडीजी दिनेश एमएन ने बताया कि एसीबी जयपुर और कोटा में आरोपी के ठिकानों पर सर्चिंग की गई है। इसके अलावा अन्य ठिकानों पर भी जांच हुई है। मामले में कई और अहम खुलासे होने बाकी हैं। राजस्थान की मुख्यालय की एक यूनिट के द्वारा आज राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर रामावतार गुप्ता को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। परिवादी ने एसीबी की व्हाट्सएप हेल्पलाइन पर संपर्क किया था कि उसकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग कॉलेज की सीट्स बढ़ाने के लिए और उसमें लगातार जो परेशान करते रहते हैं लिखा पढ़ी करके उसमें फैसिलिटेट करने के लिए 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। एसीबी द्वारा सत्यापन किया गया। सत्यापन के पश्चात आज प्रोफेसर रामावतार गुप्ता को एक सरकारी गेस्ट हाउस में 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। गेस्ट हाउस के इस कमरे में वो पिछले 4 दिन से रह रहे थे और उस गेस्ट हाउस की तलाशी में करीब 21 लाख रुपए उनके कमरे में और मिले हैं। उनकी आगे की इन्वेस्टिगेशन हमारे एडीजी साहब के निर्देशन में चल रही है। जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी को वीसी जो ट्रैप हुआ है उनके घर एक जयपुर में है और एक ऑफिशियल रेजिडेंस है कोटा में टेक्निकल यूनिवर्सिटी में। वहाँ हमारी कोटा इकाई चंद्रशील ठाकुर द्वारा वहाँ सर्च की जा रही है और जयपुर में हमारा आलोक शर्मा एडिशनल एसपी है उनके द्वारा सर्च की जा रही है। इसके अलावा इनकी जो और भी अगर जहाँ ठिकाने हैं वहाँ भी हम पता करेंगे और वहाँ भी सर्च करेंगे। इसके अलावा जो एविडेंस अभी मिल चुके टेक्निकल एविडेंस है प्लस मौके पर जो मिले हैं और जो हमारे रिकॉर्डिंग